हे hey, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल इंटीरियर गुरुजी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10x10 का अगर फॉल्सरिंग अपने घर में करते हैं तो उसका कितना खर्चा है। अगर आप कारपेट एरिया से मापते हैं या फिर आपका स्क्वायर फीट से आप निकालते हैं तो कितना खर्च पड़ेगा, और आप खुद से अगर मेटेरियल खरीद के किसी फॉल्सरिंग वाला से बनवाते हैं तो कितना फर्क आएगा। तो बने इस वीडियो में अंत तक। साथ ही हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे इंटीरियर डिजाइन वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10x10 का बेडरूम को अगर आप अपने घर में बनाते हैं तो कारपेट एरिया का स्क्वायर फीट आएगा 10x10 का 100 स्क्वायर फीट। अगर कोई भी बंदा अगर आपका काम करता है तो उसका चार्ज करेगा 130 रुपया, जिसका ये मल्टीप्लाई करने से 13,000 रुपया उसका कॉस्ट निकला है। अगर आप कारपेट एरिया से करते हैं तो आप मटेरियल भी वो अपना देगा कि अच्छा नहीं देगा पता नहीं, मगर 13,000 रुपया वो चार्ज करेगा। अगर इसका स्क्वायर फीट में अगर जाते हैं, अगर मेन सीलिंग का बात करें 10x10 का तो 100 स्क्वायर फीट उसका होता है, और ट्रे का अगर बात करूं तो आपको 51 स्क्वायर फीट पड़ेगा, जिसका आपका 151 स्क्वायर फीट होता है। अगर कोई भी अगर काम करता है उसका कॉस्ट आपको 70 रुपया स्क्वायर फीट लेता है तो उसका हिसाब से आपको 10,570 रुपया आपको कॉस्ट पड़ेगा। तो जैसा कि देख पा रहे कारपेट एरिया से आपका जो स्क्वायर फीट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2,500 रुपये बचत आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपका फॉल सीलिंग मटेरियल कॉस्ट का कितना खर्च पड़ेगा। आप खुद से खरीदते हैं और बढ़िया क्वालिटी का माल खरीदते हैं मीडियम तक में तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो जिप्सन बोर्ड का आपको 6x4 का 6 पीस लेना होगा, जिसका कॉस्ट आपको 320 करके 6 पीस का 1920 रुपया पड़ेगा। और आपका इसमें POP बैग जो होगा वो 2 बैग लगेगा, जो कि आपका 100 रुपया करके 200 रुपया पड़ेगा। और उसके बाद अगर बात करें चैनल बटम का तो 12 फीट का आएगा 6 पीस 250 रुपये करके 1500 पड़ेगा, और उसमें एल पत्ती लेना पड़ेगा जो कि 12 फीट का 6 पीस का 250 करके 1500 पड़ेगा, और उसमें एक बॉक्स स्क्रू लगेगा जिसका 200 रुपये लगेगा आपको, और उसमें फास्टनर जो आपका 60 पीस का 6 पीस 6 रुपये करके 360 रुपये पड़ेगा। और चैनल पट्टी का बात करें तो आपका 12 फीट का आएगा 250 करके 6 पीस का 1500 रुपये पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं फॉल सीलिंग का जो लेबर कॉस्ट है वो आपको 150 स्क्वायर फीट आएगा, जो कि 15 रुपये करके मार्केट रेट है, वो आपको 2250 रुपये पड़ेगा। ओवरऑल अगर इसका कॉस्टिंग निकालते हैं तो 9,430 रुपये में आपका ये खुद से मटेरियल जो होगा बहुत लॉन्ग लास्टिंग आप खरीद सकते हैं मीडियम क्वालिटी में बहुत ही बढ़िया, जो कि आपका इतना कॉस्ट में आपका बन जाएगा। तो ये कॉस्ट आपका 10,500 रुपये स्क्वायर फीट से पड़ेगा, और कारपेट एरिया से अगर किसी को देते हैं तो 13,000 रुपये पड़ेगा। तो आप अपने से सोच लीजिए खुद से खरीद के आपको कराना है या कारपेट एरिया या स्क्वायर फीट में आपको कराना है। मैं तो बोलूँगा आप खुद से खरीद के अगर बनाते हैं तो आपको मटेरियल भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपका कॉस्टिंग भी बहुत ही कम मिलेगा। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ आप सभी के लिए।